नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं Time24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हामिद सैफी। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? दोस्तों, ये गाना तो आपने बहुत बार सुना होगा, मगर जिस सच्ची घटना को हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे। यहाँ एक भांजे के प्यार में पागल मामी ने अपने पति को धोखा देकर भांजे से भागकर शादी कर ली। इतना ही नहीं, पीड़ित पति और परिवार को इस अनोखे प्रेम विवाह की जानकारी मामी और भांजे ने वीडियो कॉल करके दी। मामला बिहार के जमुई जिले का है। मामी भांजी ने शादी करने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से घर वालों को दी है और इनके द्वारा शेयर की गई वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में भांजा अपनी मामी की मांग भरता दिख रहा है। वहीं मांग भरने के बाद मामी भांजे से पत्नी के नाते पैर छूकर आशीर्वाद मांगती दिख रही है। एक न्यूज साइट से ली गई जानकारी के अनुसार लखीसराय जिले के गांव निवासी युवक की शादी झाझा थाने के गांव में रहने वाली युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों मुंबई में रहते थे, उनका भांजा भी वहीं रहता था, ऑटो चलाने का काम करता था। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लॉकडाउन लगने की वजह से सभी को गाँव लौटना पड़ा, जिसके बाद भांजे ने अपनी मामी से भाग कर शादी कर ली। चर्चा ये भी है कि शादी करने के बाद मामी और भांजे दोनों ट्रेन पकड़कर मुंबई चले गए। दोस्तों, सही कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है, लेकिन वो प्यार ही क्या जो रिश्ते को रिश्ता न समझे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और दोस्तों, इससे पहले हमने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें दिखाया गया था कि कैसे दुष्कर्म की पीड़िता न्याय के लिए पंचायत में पहुंची तो पंचायत ने आरोपी को 5 चप्पल मारने की सज़ा सुनाई और 50,000 रुपये में मामला रफा दफा करने का प्रयास किया। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो को देखकर आप ये राय दे सकते हैं कि ऐसे दरिंदे और उनके बचाव में फैसला करने वाले ऐसे पंचों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।